दोस्तों आज से कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल से। बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा और अप्लाई भी किया, लेकिन फाइनली क्या हो गया, किसी का 2 महीने हो गए, किसी का 4 महीने हो गए और मेरा भी खुद 4 महीने हो गया था, लेकिन लर्निंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना था। जो स्टेटस था वही बता रहा था, काउंटर नंबर 6 योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस, वही स्टेटस बार बार बता रहा था दोस्तों। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि एक बार पूरे डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाए। फाइनली मैं RTO जाकर अपने लर्निंग लाइसेंस के बारे में जानकारी लिया कि क्या क्या दिक्कत है इसमें, क्यों नहीं बन रहे। सो गाइस मेरे तो बन गए, लेकिन आपके कैसे बनेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। दोस्तों अगर आपने लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर लिया है और ये सोचकर अप्लाई किया है कि घर बैठे हमारे लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आया तो इसमें आपको क्या करना है कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे फॉर्म 1 का 2 पेज होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, पेमेंट स्लिप होता है, इन सारे को लेकर और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर एक बार RTO विजिट करना है। वहां जाने के बाद आपको क्या करना है कि एक काउंटर 7 है, वहां जाके आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने हैं और जैसे भी हो उनसे आप बात करके पूरे डिटेल में जानकारी वहां से आपको ले लेना है। वहां से जाने के बाद आपको कहेंगे कि आप जाइए डॉक्यूमेंट को लेकर गैरेज में, वहां जमा करिए। तो डॉक्यूमेंट को जाकर वहां गैरेज में जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपको उसमें से 2 पेज मिल जाएगा, जैसे कि स्लॉट बुकिंग वाला पेज है और आपको स्लॉट भी बुक कर लेना है। और जो स्लॉट बुकिंग वाला जो पेपर होगा वो पेपर आपको दे देंगे, तो उस पेपर को लेकर दोस्तों उसके बगल के काउंटर में जाने होते हैं जहां पर फोटो खींचते हैं RTO वाले। तो वहां जाकर आपने फोटो खिंचवा लेना है और फोटो खिंचवा के जो स्लॉट वाले पेपर है वापस से आपको उसी काउंटर पर जमा दे देना है, उसको भी जहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट किया था। सो ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको वो लोग आपको नाम लेकर बुलाएंगे और वहां पर जाके आपको टेस्ट देने होंगे, जैसे कि जो क्रस चिन्ह होते हैं, कहां पर रुकना होता है, किधर मुड़ना होता है, यही सब आपको वहां पर चेक कराएंगे कि आप चलाने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपकी आंख की रोशनी सही है कि नहीं है, ये सब देखेंगे। और देखने के बाद फाइनली आपको वो लोग कंप्लीट कर देंगे। जैसे आप वहां से निकलोगे उसके 1 घंटे या 2 घंटे बाद आपके लर्निंग लाइसेंस आपको मिल जाएंगे। साइबर कैफे में जाके आप वहां से अपने लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि आपने अप्लाई कर दिया है तो घर बैठे आपको नहीं मिलने वाला है, आपको RTO और DTO एक बार विजिट करना ही होगा। जब विजिट करोगे तो पूरे इसके नॉलेज भी आपको मिल जाएंगे और आपके लर्निंग लाइसेंस हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये दोनों आपको बन के मिल जाएंगे। सो गाइस फाइनली हमारे वीडियो आई होप कि काफी पसंद आए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए ताकि ऐसे मेरे हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।